राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख पार्टियां आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रही है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से सीएम अशोक गहलोत पूरे राज्य में लगातार महंगाई राहत शिविर का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं 4.5 साल से सत्ता से दूर विपक्षी पार्टी बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी राजस्थान के बड़े नेता और कार्यकर्ता एक तरफ गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र नेतृत्व जनसभा और रैलियों के जरिए जनता के मन में जगह बनाने में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के बाद अब 28 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जबकि 19 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा आज यानी 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उदयपुर के दौरे पर हैं। चुनाव से महीनों पहले शुरू हुए बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के इस दौरे से जहां राज्य की सियासी गर्मा गई है, वहीं बीजेपी में अंदरूनी कलहों के बीच एक बार फिर चर्चाएं जोरों पर है कि प्रदेश में वसुंधरा राजे ही बीजेपी का चेहरा होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री राजे राजनीति में सक्रिय हुई है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि राजे ही असली दावेदार है। इस बात का प्रमाण भी 19 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भरतपुर कार्यक्रम में देखने को मिला, जब जेपी नड्डा के साथ साथ राजे को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने जनसभा में गहलोत सरकार पर चुन चुन कर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। मैं मानती हूँ कि सरकार ने भी तो किया है, सरकार ने भी काम किया है। हाँ, यहाँ के लोगों को पूरी तरह से आतंकित करके छोड़ा है। बताओ मेरे को, सब यहाँ लोग चैन की नींद सो रहे हो क्या? चैन की नींद सो रहे हो क्या? हो ही नहीं सकता। सरकार के लोग जो हैं गनमैन, वो बीच में जा जाके लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बता दे, बीजेपी नेतृत्व भी वसुंधरा राजे से अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोदी और शाह की मैजिक से दूर राजे ही है जो राजस्थान में पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में अपने सबसे अनुभवी नेता और पूर्व सीएम येदुरप्पा को दरकिनारा करके खामियाजा भुगत चुकी है और राजस्थान में ये गलती नहीं दोहराना चाहती।